अभी जो वीडियो आपने देखा है ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है, जहां पे से योगी आदित्यनाथ का एक काफिला गुजर रहा था और काफिले में तैनात सारे सिक्योरिटी को तोड़ता हुआ एक शख्स योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के सामने आकर काले झंडे दिखाने लग जाता है। उसके बाद जितने पुलिस वाले वहां खड़े होते हैं इस शख्स को आकर पकड़ते हैं और उसके बाद ये शख्स चिल्लाने लग जाता है वहां पे ये कि झूठ का फीता काटना बंद करो। इस शख्स को जब पुलिस वाले पकड़ते हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड वहां पे थे इस शख्स को पकड़कर जब घसीटने लगते हैं तो ये शख्स चिल्लाने लगता है कि झूठ का फीता काटना बंद करो। असल में दोस्तों मैं आपको ये पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ का अकेले एक शख्स ने जौनपुर में जबरदस्त तरीके से विरोध किया और काला झंडा दिखाया है। आप देखिए इस वीडियो को, उसके बाद आपको आगे की खबर भी बताऊंगा कि ये शख्स कौन है और किस लिए विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जो झूठ का फीता भरे टिकैची लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ये सत्य नहीं, ये गलत है, गलत का। तो वीडियो देख लिया आपने किस तरीके से एक शख्स ने योगी आदित्यनाथ के गाड़ी के सामने खड़ा होकर काला झंडा दिखाया और कहा कि झूठ का फीता काटना बंद करो। असल में दोस्तों मामला क्या है ये आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बनी है तब से बताया ये जा रहा है कि सारे काम वहां पे जो समाजवादी पार्टी ने करके रखे थे, जो अधूरे काम उसको पूरा करके योगी आदित्यनाथ सिर्फ फीता काट रहे और अपना महिमा मंडल कर रहे। इसको लेकर जगह जगह पे जो समाजवादी पार्टी ने इंस्टीट्यूट बनाया, कॉलेज बनाया, चाहे जो कुछ भी समाजवादी पार्टी ने बनाया, बीजेपी या और फिर योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ उसका फीता काट रहा है। और उसको लेकर जौनपुर पहुंचे थे फिर एक बार सीएम योगी, जिसको लेकर ये सब कुछ आपको देखने को मिला, जिसको लेकर तो यूपी तक है जो लिखती है कि बिग लैप्स इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट डरिंग सीएम योगी टूर ऑफ जौनपुर, एसपी वर्कर शॉट बाय ब्लैक फ्लैग, आदि योगी आदित्यनाथ। ये लिखते हैं कि एसपी का ये वर्कर यानी समाजवादी पार्टी का ये वर्कर अपने आप को बता रहा था और ये फ्लैग जो है काला झंडा जो है वो योगी आदित्यनाथ के सामने ये दिखाने लगा, जिसको लेकर आपको ये पूरा मामला जो है वो जौनपुर में देखने को मिला है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को और इस शख्स की बात में कितनी सच्चाई है जिसको लेकर ये विरोध कर रहा था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।